हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे, सुनेंगे बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में, शेख हसीना के बारे में, और फिर उसके बाद कि ये बांग्लादेश मिलिट्री जो कू हुआ है उसके बारे में। तो चलो, और बांग्लादेश कैसे जला, क्यों जला, उसके बारे में तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देख लो, शेख हसीना जो है अभी तक भारत में है, हाँ, और जबकि अभी तक उसको या तो अपनी बेटे के वहाँ, मतलब यूएसए चले जाना चाहिए था, या और कोई रिश्तेदार हैं शायद यूके के अंदर, वहाँ चले जाना चाहिए था, पर दोनों में से अभी तक वो कहीं नहीं जा पाई है। कोई मेजर मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ है रीज़न जिसकी वजह से वो इंडिया में ही है, और इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसने रखा। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात बार बार करते हैं, पूरे एक न्यूज़पेपर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर भी हैं जिनमें एक बात, वेस्टर्न वर्ल्ड ही है, उसमें यह है कि शेख हसीना के समय पर कोई 600 बंदा डिसअपियर हुआ था उसे कार्यकाल में, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था, ऐसे 600 बंदे डिसअपियर हुए हैं, और लोगों को काफ़ी परेशानी थी कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को क्रश किया है। और अब जो है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कह रही है कि आप शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजिए, हमें कोर्ट केसेस करने हैं उसके अगेंस्ट, ये 600 डिसअपीयरेंसेस जो हैं, डिसअपीयर हुए लोग, इन सब चीज़ों के बारे में दे वांट टू डू। मैंने भी पढ़ा था कि कोई उसने ऐसे कोई खास जेल बनाया जिसको पता नहीं क्या बोला हुआ, मिरर करके कोई नाम ऐसे कुछ था, शीशा या मिरर, वो नाम जिसमें वो जो उसके अगेंस्ट होते थे उनको उस जेल में भेजती थी। और वो जेल में क्या होता था, उनको कुछ नहीं, कमरा एक कमरे में अकेले उनको रहना पड़ता था, उस कमरे में कुछ नहीं था, एक शीशा होता था कि बस तुम अपने आप को देखो और सोचो तुम कितने गंदे इंसान हो, ऐसा कुछ था, कुछ इस टाइप से कुछ मैं पढ़ रही थी, फिर मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करना है कि ऐसा जेल है नहीं है, जिससे पता चले कि वाकई ये करती थी कि नहीं। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हालिया घटना हुई है और शेख हसीना को वापस भारत में शरण लेना पड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शरण ली है, और इससे बाद इस एक समय था जब बांग्लादेश में ये लौट के गई थी, और शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट के जाएंगी और फिर चुनाव लड़ेंगी। इसके बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग को आजादी के समय से एक लंबे इतिहास से पीछे चलना पड़ेगा, जब ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक ही थे, यहाँ पर ये दोनों एक ही थे, और इनके संसद भवन को नेशनल असेंबली कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद भवन कहते हैं, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 300 सीटें हैं, बहुमत के लिए 151 चाहिए तो सरकार बना लेंगे। जब चुनाव हुआ तो वहां दो प्रमुख पार्टियां लड़ रही थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और आवामी लीग की ओर से लड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के थे। चुनाव में जो होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो हार जाते हैं, इन्हें केवल 86 सीटें मिलती हैं, जबकि बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए होती हैं, इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हार जाती है, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग 167 वोट पाती है, यानी 151 से ज्यादा पाती है, 40% वोट पा जाती है। आप ऐसे ही समझिए कि मोदी जी को 36% वोट मिला है, बीजेपी को 36% और इन्हें 40% कितना था। तो बांग्लादेश के लोगों में बहुत खुशी थी कि मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान, कि हमारे एरिया का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, हमें विकास होगा। जैसे भारत में कैसे होता है कि साउथ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो साउथ के लोग खुश होंगे ज्यादा, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से है तो गुजरात के लोगों को लगता है हमारे यहां से गए हैं, तो इसे सबको लगता है, तो ये लोग भी खुश थे। तो जब ये शपथ लेने यहां गए ना, तो ये जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, यहिया खान से मिलकर इनको जेल में बंद कर दिया, कहा कि नहीं तुम बंगाली है, तुम लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लोग ना यहाँ के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थे, काला बोलते थे, बंगाली बोलते थे, उल्टा सीधा बात बोलते थे यहाँ के लोगों को, और ये लोग तब देखे लोग कि भैया इतना तक तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बट इनके प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ बगावत हो गई। जब बगावत हो गई तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया, और जब वो छूट के आए बांग्लादेश में तो उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भाग नहीं रह सकता है, हमें अपना अलग बांग्लादेश बनाना पड़ेगा, और इसके लिए लंबा आंदोलन छेड़ दिए यहाँ पे। जब ये आंदोलन छेड़ा गया तो ये जो खचरा है जुल्फिकार अली भुट्टो, इसने वहां भेजा जनरल टिक्का खान को। जनरल टिक्का खान जब बांग्लादेश पहुंचा, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों पर इतना अत्याचार किया कि बांग्लादेश में, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में, इसने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया और 30 लाख लोगों की हत्या कराया था।
30 लाख लोगों की हत्या कराने के कारण से जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, और इसने 4 लाख औरतों का रेप कर दिया था, अपने देश की 4 लाख महिलाओं का रेप किया, और ये कह के किया कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बच्चे पैदा होंगे रेप के कारण, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान का डीएनए उसमें ज्यादा पाया जाएगा और वो लोग आजादी की मांग नहीं उठाएंगे। यहाँ पर इस तरह का ये नीच आदमी था। इस जघन्य अपराध के बाद यहाँ पूरी पाकिस्तान से शरण लेने के लिए भारत में लोग भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे। यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार थी और मानेक शाह हमारे उस समय के जनरल साहब थे, तो इन लोगों ने भी तैयारी कर ली थी कि आगे कुछ होने वाला है। तो बांग्लादेश के लोगों ने, वहां के लोगों ने एक अपनी अलग संगठन बनाई, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारत का खुला सपोर्ट था, और मुक्ति वाहिनी के लोग थे वो बांग्लादेश के ही लोग थे। वहां पे वो कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। जबकि यहाँ पे जो जनरल टिक्का खान था उसने 3 ब्रिगेड बनाया था, अलबद्र, अपसम्स और रजाकार, जिसमें सबसे जालिम जो थे सब वो रजाकार थे। सब सबसे ज्यादा रेप किया, सबसे ज्यादा मर्डर किया, तो ये रजाकार थे सब। रजाकारों की संख्या 50,000 थी, ये 50,000 मिलके 30 लाख लोगों को मार दिए सब, और 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किए सब यहाँ पर। और इधर से लड़ रही थी मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी का भारतीय इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। अंततः मुक्ति वाहिनी की जीत हुई और ये पाकिस्तानी बेशर्मों ने 93,000 फौज ने सरेंडर किया। दुनिया का इतिहास है कि 93,000 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया। देखिए हथियार जमीन पे फेंक दिए लोग, अपना बेल्ट वेल्ट उतार के ऐसे सरेंडर करके यहाँ नियाशी साहब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत आइकॉनिक फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया, इस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यही से विवाद चालू हुआ। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जियाउर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ, ज्यादा नाम इनका हुआ। रीजन क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, वो सेना के आदमी थे, तो सेना के आदमी का बैकग्राउंड उतना पता नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश की स्थापना किया। महात्मा गांधी को कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। ये भारत के प्रति बड़ी अच्छा इनका विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा के थे और सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए, और हुआ भी ऐसे ही। आजादी के महज 1972 में पाकिस्तान ने मान्यता दिया बांग्लादेश को, 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 को, 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे। उस समय आर्मी के कुछ लोग आए, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे और घर में घुस के गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चलाने लगे तो ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो यहीं पे गोली मार दिया गया। इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया, 10 साल के लड़का को गोली मारा गया। सोचिए एक परिवार में जब 17 लोग की मौत होगी तो क्या बीतता होगा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान उजाड़ दिया गया था। एक आदमी की मृत्यु होती है तो हालत खराब हो जाता है, और यहां पर इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया और लाश को ऐसे दफनाया गया था। सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के। अरे भाई अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है तो मरने के बाद लाश से क्या बदतमीजी करना है। एक गड्ढा में जानवर की तरह लाश दफनाए थे सब। केवल इनकी 2 बेटियां बच गई थी, शेख रेहाना और शेख हसीना, क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे उस समय, तो ये जर्मनी में थी उस समय, तो जर्मनी में थी। तो पाकिस्तान की जो ISI थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, इदुगो को और मार देते हैं नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। ये बात पता चल गई भारत को, भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की ISI शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसपीएल दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए तब तक जब तक बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं हो जाती है। तब अब जैसे बांग्लादेश की स्थिति सही हो जाएगी, आप वापस जाके वहां चुनाव लड़िएगा और फिर सत्ता संभालिएगा। यही कारण है कि शेख हसीना भारत का बहुत समर्थन करती है, क्योंकि शेख हसीना जिंदा है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत को शरण नहीं दी रही इन लोग को, बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ISI इनके पीछे पड़ी हुई थी। हुआ क्या, चाइना के साथ जा रही, वहां पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सेनापति लड़ रहे थे जियाउर रहमान, जो ये कह रहे थे कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, अब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो जियाउर रहमान के हाथ में सत्ता आ जाती है। लेकिन बांग्लादेश की जो सेना थी वो इनको भी नहीं देखना चाहती है। ये एक दिन चटगांव दौरे पर थे तो 30 मई 1981 को सेना ने इनके घर में भी घुस के ऐसे ही हत्या किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। तो इनका हत्या कर दिया गया जियाउर रहमान की, और इनकी पत्नी का नाम था खालिदा जिया, और खालिदा जिया जो थी विधवा हो गई,
वहां पर, तब वो एक विधवा जी जीवन जीने लगी वहां पर, और इनको मरवाने वाले थे जनरल इरशाद, तो यहाँ इनकी भी हत्या हो गई। जब जियाउर रहमान की हत्या होती है 1981 में, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है शेख हसीना को भेजने के लिए, तो वो क्या करती हैं, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजती हैं कि देखिए अब अपोजिशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का। तो 1981 में वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं और अपने पिता की पार्टी जो आवामी लीग थी, तो पाकिस्तान जब था एक में तो आवामी लीग था, जब विभाजन हो गया तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश आवामी लीग, तो इन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष के पद पर गई और वहां चुनाव लड़ी, और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो हो गई, जियाउर रहमान की विधवा जो थी उनका नाम खालिदा जिया था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चल रहा है। शेख हसीना का कहना है कि मेरे तो पिताजी की हत्या, जो मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने कराया था, वही तो खालिदा जिया ने कराया उसको था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था, यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही है, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही है। आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है, 1986 में 96 में 81 में ये आई थी और 1996 में ये चुनाव जीत जाती है, शेख हसीना चुनाव जीत जाती है 1996 में, और उसके बाद वो सत्ता संभालती हैं, और सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी लोग जमात इस्लामी वगैरह पे प्रतिबंध लगा देती हैं। लेकिन 1996 में 15 अगस्त का दिन था जब इसी घटना को याद किया जा रहा था कि शेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था, तो हर साल बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन शोक के तौर पर मनाया जाता है। ये क्या की खालिदा जिया कि 15 अगस्त को अपना जन्मदिन का केक काट दी, भव्य तरीके से केक काट दी, इतना नीच हरकत करने की जरूरत इसे नहीं थी। किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है, उस दिन आप जबरदस्ती अपना बर्थडे केक काटिएगा, तो अच्छा बर्थडे रहता तो केक काटती, इसका 15 अगस्त को बर्थडे नहीं है, जबरदस्ती ये बर्थडे मनाई कैसे, तो देखिए इसके पासपोर्ट में इसका बर्थडे 19 अगस्त है, मैरिज सर्टिफिकेट में 9 अगस्त है, मार्कशीट में 5 अगस्त है, और इसकी अपनी बायोग्राफी में 19 अगस्त है, यानी इसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त नहीं है। लेकिन यह शेख हसीना के जख्मों पे मतलब नमक रगड़ने के लिए जिस दिन के परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई अपना जन्मदिन मनाने लगी, इस वजह से इन दोनों की लड़ाइयां और गहराते गई यहाँ पर, और यही तो विपक्षी नेता में रह गए लोग पार्टी में लड़ाई मतलब चुनाव में। तो 1996 से 2001 तक शेख हसीना थी, उसके बाद 2001 में जब चुनाव हुआ तो खालिदा जिया जीत गई, 2001 से 2006 तक ये रही। बट इन दोनों में गड़बड़ी क्या है ना, घर में कैसे दोनों महिला लड़ती हैं, सब इस देश में दोनों महिला लड़ रही थी, सब एकदम भयानक बकोटा बकोटी। तो यहाँ पे ना ये इस पे आरोप लगा रही है कि चुनाव में ये धांधली की है, ये इन पे आरोप लगाती है कि ये धांधली की है, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो बांग्लादेश में एक कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया जाएगा और सारी शक्तियां उस राष्ट्रपति को दे दी जाएगी चुनाव के दौरान, ताकि किसी के पास शक्ति ही नहीं रहे कि मिस यूज कर सके। तो केयर टेकर राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आया कि भैया यही केयर टेकिंग करेंगे, चुनाव इन्हीं के मद्देनजर अच्छा से होगा, तो केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया गया फखरुद्दीन अहमद और खचरा निकला। ई का किया कि इसको केयर टेकर बनाया गया, अब तो कहा कि ठीक है केयर टेकर होगा, आप लोग से शक्तियां ले ली जाती हैं, चुनाव होगा, जैसे शक्ति ले लिया ना तो दोनों को जेल डाल दिया, कहा भगवान से हम रहेंगे राष्ट्रपति, पूरा शक्ति अपने ले लिया, 2 साल तक सत्ता खुद चलाया 2006 से 2008 तक, 2006 में चुनाव होने वाला था, तो गजब बंदर बात हो गया, दोनों को जेल डाल दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो जेल से बाहर निकली और 2008 में शेख हसीना जीत गई, 2008 से 13 तक जीती, फिर 13 से 18, 18 से 24 जीती, बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, और फिर 2024 में चुनाव हुआ फिर जीत गई। ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन रही है शेख हसीना, जिस वजह से इन्हें डिक्टेटर कहा जाने लगा, और ये चुनाव में हारने लगी खालिदा जिया, ये कट्टरपंथी है, पाकिस्तान के समर्थित है। दूसरा, इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया का घोटाले का आरोप लग गया, 2018 में ये जेल चली गई, तो खालिदा जिया का करियर खत्म हो गया था और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनके जीत गई, भारत के लिए बहुत अच्छा है। शेख हसीना का एक और लड़ाई हो गया मोहम्मद यूनुस के साथ। मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे इंसान है, बांग्लादेश में इन्होंने देखा कि लोगों के पास
पैसे की कमी है, उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है, पैसे की कमी है यहाँ पर। अब जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और अगर पैसा नहीं है तो किसी होटल में जाके बाबरची का काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे पूंजी दे दीजिएगा तो उस पूंजी की मदद से वो अपना होटल खोल लेगा। तो इन्होंने यही चालू किया, माइक्रो क्रेडिट चालू किया, थोड़े थोड़े पैसे देने चालू किए, और इन्हीं का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में लगता है कि आजकल कोई भी कुछ पैसे देके मोबाइल ईएमआई करा लेता है, वॉशिंग मशीन ईएमआई करा लेता है। तो छोटा 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 जी दुकानों पे जाके आप ईएमआई पे लेते आते होंगे, ये इन्हीं का कंसेप्ट है, मोहम्मद यूनुस का कंसेप्ट है। आजकल तो वही हो गया है, सोचा लड़का सब ईएमआई पे आईफोन लेके चमका रहा है सब, अरे क्या जरूरत है दिखाने का। तो ये वाला कंसेप्ट इनका था, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना चुनाव लड़ ले, तो 2007 में इन्होंने नागरिक शक्ति पार्टी बनाया, लेकिन चुनाव हार गए। तो बांग्लादेश की शेख हसीना का अब इनसे विवाद होने लगा कि भैया इनको निपटाओ। कोई भी बांग्लादेश में गड़बड़ी होता था तो शेख हसीना इन्हीं की ओर आरोप लगा देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस को पद्मा नदी में डुबा देना चाहिए, जब उनको मरने वाले हो तो वापस निकाल देना चाहिए, अब फिर डुबाना चाहिए, तड़पा तड़पा के रखना चाहिए। तो शेख हसीना का इनके साथ भी विवाद चल रहा था। अभी यही है केयर टेकर प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। देखिए बांग्लादेश में दो प्रमुख नदी देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहेंगे लेकिन बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। तो जो पद्मा नदी में डुबाने की बात थी वो एक्चुअल में गंगा नदी है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती है, इनकी संयुक्त धारा में एक मेघना आके मिलती है, तो इनको संयुक्त, दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब देखिए जब 2024 में शेख हसीना चुनाव जीतती है तो चुनाव जीतने के बाद एक बहुत ही मेच्योर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर ये अपने देश का भला सोचते हुए भारत को भी लेके चलती है, चाइना को भी, रसिया से भी, यानी बांग्लादेश तीनों को बैलेंस करके चल रहा था, न ज्यादा रसिया चाइना इंडिया किसी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हकीकत भी है। और ये बहुत मेजॉरिटी से जीत के आई थी, 300 में से 222 सीट यानी 41% चुनाव जीत के आई थी वो, लेकिन एक रिजर्वेशन की वजह से यहाँ बवाल हो गया। रिजर्वेशन था कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्र कराने के लिए बांग्लादेश में, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की थी। बांग्लादेश में आरक्षण जाति धर्म के नाम पे नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों को है। तो 1972 में 30% आरक्षण दिया गया स्वतंत्रता सेनानियों को कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन 1972 के बाद 1997 में यह 30% आरक्षण उन फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी दे दिया गया। तो लोगों ने कहा कि भैया फ्रीडम फाइटर के बच्चों को क्यों दे रहे हो, फिर लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो भाई बच्चे को दे देते हो, ठीक है। 2010 में शेख हसीना जब प्रधानमंत्री आती थी तो फ्रीडम फाइटर को बहुत महत्व देती थी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर इनके पार्टी में ज्यादा थे, तो फ्रीडम फाइटर के नाती पोता को भी आरक्षण दिया गया। ये और बांग्लादेश में होने लगा कि भैया आप सबको आरक्षण देते जाएंगे, जो लड़ा था उसको दिए, ठीक है, उसको बच्चा को दिए, फिर बच्चा के बच्चा को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जब विरोध होने लगा तो शेख हसीना ने 2018 में ये 30% आरक्षण खत्म कर दिया, तो देश में बवाल खत्म हो गया, आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच एक स्वतंत्रता सेनानी पहुंच गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी साल 2024 में हाईकोर्ट ने कहा वापस 30% दे दो। तो भैया इसमें शेख हसीना ने तो दिया नहीं था, इसमें तो हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन लोग भड़क गए शेख हसीना पे। याद कीजिए यही घटना हुई थी मणिपुर में, कोर्ट ने डिसीजन दिया था आरक्षण के लिए, और कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना भीषण बवाल हुआ था, और बांग्लादेश में भी कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बाद भीषण बवाल हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो थे सड़कों पर, इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और शेख हसीना रिजिड हो गए, उनको इंटरनेट शटडाउन उसी समय कर देना चाहिए, और किसी भी कार्रवाई करो तो गुप्त ढंग से कार्रवाई करो। और ये स्टूडेंट बहुत भयानक बगावत ले लिए, और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जब पुलिस गोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए कुछ बच्चे, जिससे कि युवा और भड़क गए। युवाओं को प्यारे से समझा सकते, धमका के तो युवाओं को नहीं समझा सकते। इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मत नाम का एक व्यक्ति था, मीर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो आंदोलनकारी थे, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। तो इसी दौरान जब पुलिस गोली चलाई ना तो उसको लग गया, अब भीषण और बवाल हो गया कि भैया वो तो पानी पिला रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था, तुमने गोली मार दिया, और उग्र हो गया आंदोलन। इसी बीच यूनिवर्सिटी के तीन विद्यार्थी नाहिद आसिफ और अबू बकर, इन तीन जो मेन लीडर थे, पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगहों पे, और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है, और इन लोग को इतना मार मारती है, इतना मार मारती है, अब मार के अब वीडियो बनवाती है। तो ये लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेस्ट किया है, तो बांग्लादेश की पुलिस कहती है नहीं, हमने अरेस्ट नहीं किया है, पता नहीं कहां से वो वीडियो बना है। तब तक इसी बीच
बांग्लादेश पुलिस जब इसमें नाहिद को उठा रही थी तो उस दौरान एक वीडियो बन गया था कि पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। अरे बांग्लादेश का पुलिस, तुम लोग को इतनो बुद्धि नहीं है कि इन लोग को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ। अच्छा एसटीएफ सिविल ड्रेस में ही उठाई थी लेकिन उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस। बकलोर कहीं का भाड़ा पे बोलेरो ले आता पता नहीं चलता, तो किसी ने वीडियो बना लिया था कि पुलिस ने उठा के ले गई है। फिर पुलिस के ऊपर दबाव बना तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी। जब इन तीनों को छोड़ी तो मीडिया वाले पूछे कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि आंदोलन रद्द कर दिया जाए, तो उन्होंने अपना कपड़ा हटा के और जब जख्म दिखाया मारपीट का और रो रो के जब वीडियो बनाए तब पूरा उग्र हो गया बांग्लादेश और कहे कि अब सीधा कूच करते हैं, मार्च करते हैं कहां पर, बांग्लादेश में शेख हसीना के भवन पर। और इस दौरान पूरी भीड़ शेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी। शेख हसीना ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया जिसमें वकारुज्जमा सेनापति भी उसी में उपलब्ध थे वहां पर, सेनापति के साथ ही इंटेलिजेंस हेड जो थे वकारुल हसन थे और साथ ही वहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तारिक हसन सिद्दीकी भी थे। ये तीनों लोग मिलकर शेख हसीना को कहे कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लाठी नहीं चार्ज कर सकते हैं, गोली नहीं चार्ज कर सकते, आप यहां से चले जाइए, बांग्लादेश छोड़ के आप चली जाइए। ये जाने को रेडी नहीं थी तो इनके बच्चे को अमेरिका में फोन लगाया गया और इनकी बहन से जब बात कराया गया तो इन लोगों ने समझाया कि भीड़ ने ही 17 लोगों को मार दिया था घर में घुस के, आप ही बची है, आपके खाला बचल है, चला ये भीड़ कभी जाइएगा वापस। तो 40 मिनट का समय गया और सेनापति ने इन्हें वापस हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठा के भारत भेज दिया। जबकि ये सेनापति बनने लायक नहीं थे, वकारुज्जमा सेकंड सीनियर थे, इनको जानबूझ के शेख हसीना ने प्रमोशन दिया था इसी साल 11 जून को कि आप बनिए, ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, ये शेख हसीना की ना शेख रेहाना के देवर लगते हैं तो रिश्तेदारी में बांटेंगे लोग यहां पे। और हो गया कांड यहां पर, फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा हेलीकॉप्टर से, फिर जहाज में बैठी और जहाज में इनका सुपर हरकुलियस जहाज हिंडन एयरपोर्ट पे लेके किया यहाँ पर। इस बीच जो शेख हसीना का बंगला था गोनो भवन, उसमें उग्रवादी घुस गए थे। हाँ। आपको क्या लगता है ये लोग शेख हसीना को छोड़े होंगे? शेख हसीना की साड़ी उठा ले गए लोग, अंडरगारमेंट लेके चले गए सब यहाँ पे, शेख हसीना का चिथड़ा उड़ा देते सर। तो शेख हसीना का निकलना तो खैर वहां पे था लेकिन भारत का इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। भारत को सोचना चाहिए, एक इंदिरा गांधी का समय था जब मुक्ति वाहिनी को घुसाकर हमारे सैन्य मानेकशॉ सेना घुसाकर वहां पाकिस्तान की सरकार उजाड़ दिए, पाकिस्तान से विभाजन कर दिए, वहां का स्वतंत्र सरकार बना लिए और वहां अपनी पसंद का सरकार भी बैठा दिए। और एक अभी का इंटेलिजेंस हमारे यहाँ का चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा है, हाँ तो बांग्लादेश के हेलीकॉप्टर से आए और हमारी मीडिया कह रही है कि शेख हसीना की जहाज के पीछे हमने 2 राफेल लगा दिया था कि सुरक्षित वापस आ सके। हाँ मतलब अरे बैल, तुरा एकरों में अपना काबिलियत दिख रहा है। यही चीज अगर इजराइल में होता तो स्टूडेंट लोग कब गायब हो जाते, लोग पते नहीं चलता। ये तीनों स्टूडेंट में पता चलता है, ये उसको मार दिया, उसको मार दिया, दूसरे जगह हो जाता है यहाँ पे। ये गलत है, शेख हसीना का जाना मतलब वहां से भारत का जाना। अब वहां का सेना प्रमुख तो अलग था, बताइए इसने मिलने सेना प्रमुख भी मिला जुला था और इसने ही घोषणा किया कि हम सरकार बनाएंगे। अब एक भारत है जहाँ पे इतने प्रोफेशनल ढंग से सेना, हमारे सेनापति उपेंद्र द्विवेदी सर, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, इतने मतलब इतने बड़े पोस्ट जो 13-14 लाख सेना को मतलब कंट्रोल कर रहा है। हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हम कहते कि सर हमको भी जाना था फौज में, अगर हम रहते तो आपके अंडर कमांड हम कहीं ड्यूटी पे रहते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए भारत के एक सेनापति हैं जिनको इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में, यहाँ पर 13 लाख की 14 लाख की फौज को ये लोग संभाल रहे हैं। और एक ही बांग्लादेश का है, इसके यहाँ सेनापति इतना लोगों को रोक नहीं पाया, बताइए इतना भीड़ को नहीं रोक पाया। अब वही भारत की सेना को दे दीजिएगा कचूमर निकाल दिए रहते। तो खैर सैल्यूट हो हमको भारत की सेना, हमारे पूरी सेना के ऊपर जो इतना डिसिप्लिन तरीके से प्रोफेशनल ढंग से देश की सेवा करते हैं। अब सेना, अब बांग्लादेश की कमांड आ गई है मोहम्मद यूनुस के पास। इनमें इन तीन प्रदर्शनकारियों को भी रखा गया है, इंटेलेक्चुअल लोगों को रखा गया, वकील, जज, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ महिलाएं हैं। अब वो लोग बांग्लादेश को एक नए ढंग से चालू करेंगे लेकिन बांग्लादेश में उपद्रव बहुत ज्यादा हो गया है। अब कई लोग का कहना है कि अमेरिका का इसमें चाल नहीं था, बिल्कुल चाल था अमेरिका का। अमेरिका देख रहा था कि बांग्लादेश कैसे इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी, रशिया को भी बैलेंस कर रहा है, इसलिए अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए अमेरिका चाल चलने लगा और बार बार बोलता था कि बांग्लादेश में चुनाव अच्छा से नहीं हुआ है। भैया अमेरिका में कौन सा चुनाव अच्छा से हुआ था? ट्रंप तो खुद ही आरोप लगा रहे थे उनको जबरदस्ती हराया गया यहाँ पे। तो अमेरिका ने क्या कहा, मतलब शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना
चाइना के जितने भी जहाज हैं ये मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, इस पर नजर रखने के लिए चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है। यहाँ अगर अमेरिका को दे देंगे तो भारत भी नाराज हो जाएगा, चाइना भी नाराज हो जाएगा, इन दोनों की वजह से रशिया भी नाराज हो जाएगा, मना कर दिया यहाँ पर, यही आरोप लगाई थी अमेरिका की। अभी हाल ही में अमेरिका के डेलीगेट्स आए थे सब बांग्लादेश में, अब देखिए अमेरिका के योगदान कैसे नहीं है, बांग्लादेश में आए थे सब, उन्हें कायदे से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, अन्यथा विपक्ष से भी मिलना चाहिए, उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं किया, डायरेक्ट मिले, नेता विपक्ष से चले गए, बताइए ये कोई तरीका है? तो साफ वो दिखा रहे थे लोग कि ये बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरवेंशन है, विदाउट अमेरिका के इंटरवेंशन ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूएनओ की बेशर्मी देखिए, यूएनओ क्या कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये इनका अधिकार है। अरे ये चट्टे प्रदर्शनकारी शेख हसीना का अंडरगारमेंट नोच के लेके चल गए, सब साड़ी नोच के लेके चल गया सब, इनके पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इनका अधिकार है। अब कश्मीर में जब हम लोग आतंकवादियों को मारते हैं ना तो हम लोग पे इंक्वायरी बैठा देता है, अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ माइनॉरिटी के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा, अब कौन रोक सकता है उसको बढ़ने से? लिए सरकार जो थी शेख हसीना की वो न्यूट्रल सेकुलर सरकार थी, अब उस पर बढ़ जाएगा, अब सरकार इस पर कितना रोक सकती है, यहाँ पर दूसरे की गवर्नमेंट है, और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का पुतला गिरा दिया सर, क्या ये स्टूडेंट है सब? नहीं है सर, और हम लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, शेख मुजीबुर रहमान का पुतला नहीं गिराना चाहिए। अब भारत में जब गांधी जी लोग को मारते हैं लोग, इनकी जो कहते हैं लोग नाथूराम गोडसे की जय, तो दुनिया हम लोगों का तारीफ करती होगी। जब हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं, इतना समझते कि भाई तुम्हारा देश का राष्ट्रपिता है उसको पुतला मत फूको, तो हम लोग में भी यही होता है, तो रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए, देश के लिए अच्छा बात नहीं है। अभी भारत को यही मौका है कि चिकन नेक जो 22 किलोमीटर है चढ़ के अपना कब्जा कर लो, ससुरा तो नहीं, या तो शेख हसीना वापस जाएंगी तो हम लोग लौटा देंगे, और नहीं तो ले कब्जे कर लेते हैं यहाँ पे, वरना चाइना यहाँ के बैठ जाएगा, तो यही मौका है बढ़िया से कब्जा लेने का। अभी भारत से बहुत सारी कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही थी, अडानी ग्रुप, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अब बांग्लादेश के लोग हम लोग का बिजली फूंक दिया तुम लोग, 8,000 करोड़ बिजली बिल अभी तक नहीं दिया, बांग्लादेश वाले हम लोग का बिजली दे दो, बिल दे दो, इतना फूंक दिया यहाँ पर, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो भाई ये जो लास्ट में था ना कि चिकन नेक का, वो गलती हमको जो है उसको इस सिचुएशन में फ़ायदा उठा के वो ले लेनी चाहिए, और यहाँ शेख हसीना के टाइम में जब अच्छा था तब ले लेनी चाहिए थी। देखिए मैं तो यही कहूँगा, ये पॉइंट सही था, लास्ट में जो पॉइंट आया था कि अगर चाइना होता तो अब तक चिकन नेक को बहुत मोटी नेक बना चुका होता, हमें भी कर लेना, इंडिया को भी देखना चाहिए था कि आपके बांग्लादेश से बोली कि अब शांति प्रिय तरीके से हम खरीद लेते हैं पूरी लैंड, आपको वो लैंड खरीद लेते हैं, आपको ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर ये हमें एरिया चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। हाँ, और शेख हसीना को देना चाहिए था कि भारत ने तुम्हारी जान बचाई, अब ये दूसरी बारी भी बचाई है, अब कोशिश ये करें कि शेख हसीना वापस जाए वहाँ पर, फिर से जीते और बनाए गवर्नमेंट, और फिर उसके साथ ये डील करो। अभी तो लग रहा है जमात इस्लामी काफी नहीं, वहाँ के लोग एंटी इंडिया और रेडिकलाइज। और जहाँ तक यूएसए की बात है, यूएसए चाहता था सेंट मार्टिन, मगर उसकी वजह से वो टॉपल गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं कर, क्योंकि अभी के न्यूज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि वो यूएसए की तरफ झुकाव, कोई बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट आई है उसकी जगह, तो ज्यादा ये न्यूज आ रही है कि उसका झुकाव जो है चाइना की तरफ ज्यादा हो रहा है, और वो तो यूएसए किसी कीमत में नहीं चाहेगा कि भाई बांग्लादेश भी जाके चाइना की गोदी में बैठ जाए, पर न्यूज़ वही दिख रही है। तो अभी तक यूएसए को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उससे तो दिख रहा, बल्कि चाइना को फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि चाइना ने करवाया होगा, उसने ये सब करके ऑपोजिशन के साथ करवाया, तो ताकि वहाँ पर मालदीव्स में भी उसने यही करवाया कि वो जीते, उनको पूरा फंडिंग करके जितवाया। यहाँ पे उन्होंने कब से पाकिस्तान के साथ, चाइना का तो है ही, वो पाकिस्तान से के साथ मिलके यहाँ पे कब से पता नहीं कितने सालों से कर रहा होगा अपनी गेम, और अब जब उसको दिखा कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक उस टाइप की हो गई है, उसने अपना कर दिया जो करना था, टॉपल ऑफ करनी थी गवर्नमेंट कर दी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।